भारतीय दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कोविड 19 की नई दवा लॉन्च करने जा रही है। इस एंटीवायरल कैप्सूल का नाम मोलनुपिरावीर है। इसकी कीमत मैनकाइंड फार्मा की कैप्सूल की कीमत के बराबर ही होगी। डॉक्टर रेड्डीज अपने ब्रांड नेम मोल फ्लू के तहत ही इस कैप्सूल को भी लॉन्च करेगी। बता दें कि अभी हाल ही में मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि भारत में कुल 13 कंपनियां मोलनुपिरावीर बना रही हैं। डॉक्टर रेड्डीज के मुताबिक मोल फ्लू की कीमत ₹35 प्रति कैप्सूल होगी। इसकी एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होंगे। मरीज को 5 दिन में कैप्सूल लेने होंगे। ऐसे में पूरे कोर्स की कीमत ₹1400 होगी। ये कोविड 19 मरीजों के लिए उपलब्ध सबसे किफायती ट्रीटमेंट ऑप्शन में से एक है। मोल फ्लू की मैन्युफैक्चरिंग USFDA अप्रूव्ड फैसिलिटी में की जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज ने बताया है कि मोल फ्लू अगले हफ्ते की शुरुआत से देश भर की फार्मेसियों में उपलब्ध होने की पूरी उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में डॉक्टर रेड्डीज ने भारत और 100 से ज्यादा मिडिल इनकम वाले देशों में मोलनुपिरावीर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मर्क शार्प दोहमे के साथ नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया था। बता दें कि डॉक्टर रेड्डीज के अलावा इस दवा को मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, नेटको, माइलान और हेटेरो समेत 13 भारतीय दवा कंपनियां बना रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार मैनकाइंड फार्मा की एंटीवायरल कैप्सूल मोलू लाइफ की कीमत भी ₹35 होगी। मोलनुपिरावीर को कोविड 19 के हल्के से मध्यम मरीजों के उपचार में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति, खेल, फिल्म, उद्योग, विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है lalluram.com। सच कहेंगे लल्लूराम। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।